हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। दिस इज सनन्या और आप सभी का स्वागत है मिश्का और इश्की के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो इश्की है वो मिश्का के लिए जेलस फील तो कर रही होती, बट ये चीज़ मानना ही नहीं चाह रही होती। हाँ, मिश्का भी इश्की के लिए जेलस फील तो कर रही है, बट वो ये चीज़ दिखाना नहीं चाह रही होती। मतलब प्यार तो दोनों तरफ से है, बट क्या देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। क्या ये दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करते हैं? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। मिश्का को इश्की एकदम घूर के देख रही होती है और मिश्का को ये चीज़ पता ही नहीं होती है। वो मज़े से उस लड़की के साथ ना अपना सैंडविच शेयर करते करते खा रही होती है, तो इश्की ना वहाँ से ना टेबल छोड़ के चली जाती है। तो मिश्का को समझ नहीं आता, बोलती कहाँ जा रही हो? तो इश्की बोलती है जहनु में जा रही हूँ, जाना तुमको? तो मिश्की बोलती नहीं नहीं वहाँ मुझे नहीं जाना, तुम ना अकेले चली जाओ। तो इश्की को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना वहाँ से उठ के चली जाती है। तो इश्की मिश्का को उससे समझ तो आता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इश्की की तरफ से है, बट इतना तो नहीं है कि वो इतना ज़्यादा जेलस फील हो। तो मिश्का ना उस लड़के से बात करने लगती है, तो इश्की को और ज़्यादा बुरा लगता है। उसको ऐसा फील होता है कि ये लड़की पागल है क्या? मतलब मैं गुस्से से चली आई, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सही बोलते हैं, सही बोलते हैं लोग, जो ना हजारों के पीछे भागता हो ना उसके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। और मुझे इतना क्यों फील हो रहा है? मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़के में पसंद हो भी तो वो मिश्का नहीं हुई कि इश्की तो खुद को संभाल, तो खुद को संभाल, ऐसे बोल बोल के ना वहाँ से भागते हुए जाती है और टकरा जाती है एक लड़के से। वो एकदम वो लड़का बोलता है पागल हो क्या, दिखाई नहीं देता। तो इश्की तो इतने गुस्से में होती है कि बोलती है तुम पागल हो क्या, तुमको दिखाई नहीं देता? तो इश्की की बात सुन के वो लड़का जैसे ही इश्की के फेस की तरफ देखता है ना, एकदम देखते ही रह जाता है। तो इश्की बोलती कि हटो मुझे जाना है। तो बोलती कि मैम आई एम सॉरी। तो इश्की बोलती कि मुझे सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं ठीक हूँ। तो बोलते कि अरे आप कॉलेज में नहीं हो क्या? तो इश्की बोलते मैं नहीं हूँ, पुरानी हूँ, तुमको उससे क्या? हाँ। तो लड़का बोलते अरे नहीं, मैं यहाँ का सीनियर हूँ, मैं हेड बॉय हूँ, सो आपको अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं आपका हेल्प करूँगा ना? तो इश्की बोलती है नो थैंक्स, मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देख के ना वो लड़का एकदम फिर से बोल एकदम शाशा फील होने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की उससे बात तो कर रही है एटलीस्ट। बोलता है कि अरे मैम ऐसे कैसे, मैं हूँ ना। तो इश्की बोलती तुमको समझ नहीं आता एक बारे में, मुझे नहीं चाहिए ना तुम्हारी हेल्प, क्यों जबरदस्ती की हेल्प कर रही हो? ऐसे बोल के वहाँ से भागने लगती है, मतलब भागने नहीं चल चल के जाने लगती है। वो लड़का ना एकदम देखते देखते ना उसको बोलता है कि हाय क्या खूबसूरत, भलाई कहाँ थी इतने दिन? तो दूसरा उसका फ्रेंड आके बोलता है कि ये मिश्की की फ्रेंड है, उसके साथ ही आती है। तो बोलता है कि मिश्की की फ्रेंड वो जो जिसको लड़कियां पसंद है? तो वो लड़का बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि यार अंगूर के हाथ में अंगूर कैसे मिल गया यार उसको, उस फर टीचर को? तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे वो अब फर टीचर नहीं रही, अब वो अमीर हो गई है, सो उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है यार, दोनों वैसे तो साथ साथ में रहते हैं बट बोलते फ्रेंड्स है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं यार फ्रेंड्स ही होंगे, इतनी खूबसूरत लड़की थोड़ी ना उस बंदी को मिलेगी, ये तो मेरी ही होगी। ऐसे बोल के ना चल मिश्का से दोस्ती करते हैं और इसका बायोडाटा निकालते हैं। तो लड़का बोलता है देख मैंने भी उसका नंबर मांगा तो उसने मेरे को ठोक दिया, तो तू मत यह कर। तो बोलता है कि यार मैं कॉलेज का हेड बॉय हूँ, तो मुझसे ना ये चीज़ मत दिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे बोल के ना वो मिश्का के पास चला जाता है। मिश्का वहाँ पे ना खाना खा रही होती है उस लड़की के साथ हंस हंस के। तो वो एकदम से आता है, बोलता है कि हे मिश्का हाउ आर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैसी हो? ये तुम्हारी न्यू जीएफ है क्या? और तुम्हारी एक्स का क्या हुआ? डिम्पल? हाँ। तो डिम्पल का नाम सुनते ही ना मिश्का का दिमाग खराब हो गया और वो तुम उसको घूर के देख के बोला कि राहुल तुम ये वही लड़का होता है जो ना डिम्पल के साथ उसके घर पे मिश्का ने पहली बार उसको देखा होता है और वो हेड बॉय भी होता है। तो उसको देख के ना मिश्का का दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो बोलते कि राहुल तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ। तो मिश्का की बात सुन के ना बोलते कि कुछ नहीं, बस तुमसे हाय हेलो बोल रहे हैं। वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना जो जो नहीं आई है कॉलेज पे, क्या उसका नंबर मिल सकता है? तो मिश्का को ना राहुल के मुंह से इश्की का नंबर की बात सुन के ना दिमाग खराब हो गया। फिर भी वो ना अनजान जैसे ना बनती है और बोलते कौन क्या कौन नहीं आया कॉलेज में? हाँ। तो राहुल बोलते हैं देखो यार अब तो इतना बनो मत, तुम्हारी एक्स ना मेरे लिए अब बोर हो गई है। ओ नीले लड़की क्या यार, सेटिंग करवा दे ना मेरी, तुझे 2000 रुपये टिप दे दूंगा मैं। तो मिश्का ये सुन के ना उसका दिमाग खराब हो जाता है, एकदम गुस्से से उठती है और थप्पड़ लगा के बोलती कि हाउ डे यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ। तो ये सुन के राहुल बोलते हैं हाउ डे यू यू
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, ऐसे बोल के ना उसका हाथ रोक के ना उसको फिर से टोकने की कोशिश करता है। तो उतने देर में ना इश्क की किसी रीजन की वजह से ना फिर से कैंटीन की तरफ आई होती है, और ये देखे ना उसका दिमाग झन्ना जाता है, और उसको तो मिश्का को प्रोटेक्ट भी करना होता है। वो एकदम से भाग के आती है और राहुल का हाथ पकड़ती है और एकदम से उसको फोल्ड करके ना एकदम फूट देती है उसको वहां पे। राहुल एकदम जमीन पे धराशायी होके गिर जाता है और उसको समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो गया, धरती उलट गई या दुनिया पलट गया। और ऐसे ना वो एकदम शॉकिंग वाली नजरों से दर्द भरी निगाहों के साथ वो देखता है, तो इश्की सामने खड़ी है और मिश्का एकदम शॉकिंग नजरों से, उसको भी समझ नहीं आता कि एकदम आंधी तूफान की तरह इश्की आई और ये क्या कर गई। तो इश्की उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि चलो यहाँ से, तो मिश्का बोलती है कि बट तुम तो, इश्की बोलती है मैंने बोला ना चलो यहाँ से कि और किसी के साथ सैंडविच खाना बाकी हो गया है, हाँ तो बाकी नहीं रह गया ना, तो चलो मेरे साथ। तो मिश्का इश्की की इतना गुस्सा देखे ना वो थोड़ी सी डर जाती है और उसके साथ साथ चलने लगती है। तो मिश्का बोलते हैं कि देखो मैं वो बस तुम्हारा नंबर मांग रहा था, इसलिए मेरी लड़ाई हो रही थी। तो इश्की उसकी एक नहीं सुनती। तो मिश्का बोलती देखो मैंने बोला ना। तो इश्की बोलती है मैंने कुछ पूछा क्या तुमको? तो मिश्का बोलते कि पूछो ना फिर। तो इश्की बोलते है कि क्यों पूछो तुमसे, हाँ तुमको तो लड़कियों के साथ सैंडविच खाने में से टाइम ही नहीं मिलता, तो और मैंने तुमको इतना ट्रेन देने के बाद भी एक पीती सी लड़के को तुम मार नहीं पाई। तो मिश्का बोलती हेलो मैं मारने ही वाली थी। तो इश्की बोलती देख लिया तुम कितने मारने वाली थी, आज से ही ना आज से रात से तुम्हारी ट्रेनिंग डबल। तो मिश्का बोलती क्या? तो इश्की बोलती कि हाँ तुम्हारी ट्रेनिंग डबल, अब से ना तुम्हारी एक भी नहीं सुना जाएगा और तुम्हारी ट्रेनिंग डबल हो जाएगा, ताकि अगली बार ना मुझे बचाने के लिए तुमको नहीं आना पड़े, तुम खुद की हिफाजत ना खुद कर सको। तो मिश्का बोलती कि देखो ऐसा नहीं है मैं कर सकती हूँ। तो इश्की बोलती कि मुझे सुनना ही नहीं है, क्यों बाकी के टाइम पे क्या करना है तुमको, लड़कियों के साथ चैटिंग करनी है? तो मिश्का बोलती हद है यार तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं बस लड़कियों के अंदर घुसी पड़ी रहती हूँ। हाँ तो इश्की बोलती और क्या काम ही क्या है तुम्हारा? हाँ तो मिश्का बोलती कि देखो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तो इश्की बोलती हाँ 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 मैंने देख लिया तुम कैसी हो, सो प्लीज मेरे सामने ना ये अच्छापन का ना दिखावा मत करो एटलीस्ट। तो मिश्का बोलती व्हाट डू यू मीन भाई अच्छापन? हाँ तो इश्की बोलते कि वही कि तुम लड़कियों में नहीं हो। तो मिश्का बोलती हेलो मिस क्या बोल रही हो, सोच समझ के बोलो। तो इश्की बोलती वही जो तुम सुन रही हो। तो मिश्का बोलते कि हेलो मैं तुम पे लाइन मारती हूँ, इसका मतलब है ये नहीं कि हर किसी पे लाइन मारू। तो इश्की बोलती अच्छा तो मैं स्पेशल हूँ? हाँ तो मिश्का बोलती कि हाँ बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तो इश्की बोलते कि अच्छा तो फिर मेरे साथ सैंडविच शेयर करके खाने में तुमको इतना दिक्कत हो रहा था, और किसी और लड़की के साथ उसको टेस्ट करो ना कैसा है, ये बोलने में तुमको दिक्कत नहीं हो रहा था? तो मिश्का ये सुन के ना एकदम शॉक हो जाती है और उसको हंसी भी बहुत आती है और बोलते कि अच्छा तुमको जेलस हो रहा था। तुम इश्की बोलती मुझे कोई जेलस नहीं हो रही थी। तो मिश्का बोलती सच सच बोलो तुमको जेलस ही हो रही थी ना? तो मिश्का बोलती मैंने बोला ना मुझे कोई जेलस ही नहीं हो रही थी, एक बार ही बोलो मैं समझ नहीं आता। तो मिश्का बोलती कि हाय मतलब जेलस तो तुम हो रही थी। तो मिश्का बोलती ओके फाइन जाओ पिटो दूसरों से, मुझे कुछ नहीं बोला मुझे जाना है यहाँ से, ऐसे बोल के ना वहां से जाने लगते। तो इश्की का हाथ ना मिश्का एकदम पीछे से पकड़ लेती है और खींच के ना अपने तरफ कर लेती है, और ऐसे जैसे सडनली खींचती है ना मिश्का एकदम से आके ना उसके बाहों में गिर जाती है, और मिश्का और इश्के की ना हाई कांटेक्ट होता है और मिश्का उसको एकदम प्यार वाली निगाहों से देखने लगती है। और पहली बारी हमारी जो टीचर डॉन इश्की है ना वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने लगती है और शाय शाय फील करके ना आंखें चुराने लगती है। तो मिश्का बोलती है कि सच सच बोलो कहीं तुमको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? तो इश्की बोलती क्या 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 बोल रही हो? तो मिश्का बोलती बोलो से आई लव यू। तो मिश्का बोलती नहीं मैं तुमसे कोई, इश्की बोलती नहीं मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। तो मिश्का बोलते बोल दो ना क्यों शर्मा रही हो? तो इश्की बोलते बोला ना मैंने नहीं प्यार करती। तो मिश्का बोलते अरे ओ भाई इट्स ओके आई नो तुमको शर्म आ रही है। तो इश्की ना एकदम से उससे दूर भागती है और वहां से ना भागने लगती है। तो मिश्का बोलती है कि हाय जब सामने वाला ऐसे घबरा जाता है ना प्यार में तो और बचाता है, अरे मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की मेरे प्यार में, हाँ मैं तो बस इसको पढ़ाना चाह रही थी बट इसको सच में उससे प्यार हो गया, यानी कि मैं अब उस विलन वाले एम्पायर से मैं भाग सकती हूँ। हाँ हाँ ये एकदम बेस्ट वाला इवनिंग न्यूज तो रोमी को, ये रोमी को सुनानी पड़ेगी, ऐसे बोलकर रोमी को कॉल लगाने लगती है। बट रोमी का तो कॉलेज टाइम एंजॉयमेंट वाला टाइम होता है, वो कहाँ से कॉल उठाए, मिश्का का दिमाग खराब हो जाता है। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है, इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसको वो समझ नहीं आ रहा होता किसको बोले अपनी खुशी। तो वो रोमी को तो बहुत देर ढूंढती है बट वो नहीं मिलती, तो फिर वो इश्की के पीछे पीछे चली जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी सुनो। तो इश्की एकदम बैठी होती है वहां पे और बोलती है क्या क्या हुआ फिर क्यों हुआ मेरे पास? तो मिश्का बोलती है कुछ नहीं बस तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है मुझे इसलिए।
इश्की बोलती है तुम्हारे क्लासेस हो गए तो घर चले, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग ना डबल हो रही है। तो मिश्का बोलती है डबल ट्रेनिंग क्यों, क्यों बच्चे की जान लेनी है, ट्रेनिंग मैं तुमको देना स्टार्ट करूं प्यार की? हाँ। तो इश्की बोलती है तुम ना कुछ 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 ज्यादा ही बोल रही हो। हाँ मैं तुमको कुछ बोलती नहीं हूँ ना आजकल, तो तुम्हारी ज्यादा जुबान लंबी हो रही है। तो मिश्का बोलती है हाँ भाई छोटी कर दो ना बाइट करके मेरे लिप्स पे। तो इश्की एकदम से शॉक होकर ना घूर घूर के फटी फटी आंखों से ना मिश्का को देखने लगती है, और मिश्का एकदम ना फ्लर्टिंग वाले आंखों से एकदम नशीला नशीला आंखें करके ना इश्की को देखने लगती है। तो इश्की एकदम से साइड होकर बैठते बोलती है क्या 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 बोली जा रही हो ये? हाँ। तो मिश्का उसके और पास आती है बोलती कि सी आई लव यू ना, क्योंकि आई लव यू। तो इश्की बोलती है पागल हो गई हो क्या, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मिश्का बोलती है मैं इंटरेस्ट करवा दूंगी ना। तो इश्की बोलती है मुझे करना ही नहीं है ना, तुम घर चलो। तो मिश्का बोलती है बट रूमी तो अभी आई नहीं है ना। तो इश्की बोलती है वो आ जाएगी, तुम्हारे फालतू बात मुझे नहीं सुनना है, चलो चलो घर चलो। तो इश्की ऐसे बोल के ना वो मिश्का का हाथ पकड़ के जैसे घर ले जाने वाली होती है ना, मतलब हाथ जैसे ही पकड़ती है ना मिश्का उसका हाथ पकड़ती है और किस कर लेती है। ये चीज है ना इश्की एकदम से मतलब पत्थर हो जाना नहीं होता, मतलब शॉकिंग शॉक इतना जोर से लगता है कि वो एकदम से पत्थर होके ना इश्की को इश्की मिश्का की तरफ देखने लगती है। तो मिश्का बोलती क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा, आई एम सॉरी। हाँ घर चलना है ना, चलो ना घर, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है, और आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इश्की ये सुन के ना वो और ज्यादा एकदम थर 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 कांपने लगती है और भागते हुए वो कार पे चली जाती है। तो मिश्का बोलते है कि है यार ये लड़की जब ऐसे शाई हो जाती है ना मजाक आता है, ऐसे बोल के ना वो भी उसके पीछे पीछे कार की तरफ जाने लगती है। तभी वहां पे ना फिर से डिम्पल आ जाती है, जस्ट कार के पास पहुंचने वाली होती है और जस्ट डिम्पल आ जाती है। तो डिम्पल जैसे मिश्का के सामने आ जाती है ना बोलती कि हे मिश्का, तो मिश्का अचानक से ना देख के डिम्पल को ना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो एकदम गुस्से में बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ। तो डिम्पल बोलती कुछ नहीं, क्या हम दोनों एटलीस्ट फ्रेंड फ्रेंड बन सकते हैं? तो मिश्का बोलती नहीं उसकी कोई चांसेस नहीं है। तो मिश्का डिम्पल बोलती है कि एक एक बारी तो सुनो ना मेरी मेरी बातें, हम बात कर सकते हैं ना, चलो चलो ना हम तुम्हारी कार कार में बैठ के बात करते। तो मिश्का बोलते मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो डिम्पल बोलते कि यार मेरी बात सुनो, मुझे मुझे तुमको ना बहुत सारी चीजें बतानी है, एक्सप्लेनेशन देना है, ऐसे बोल के ना उसका दोनों ही हाथ पकड़ लेती है। उतने टाइम में कार लेके ना इश्की चली आती है और इन दोनों को साथ दे के ना उसका दिमाग फिर से फिर जाता है। बट इस बार ही ना इश्की दारी उतरती है गाड़ी से, मिश्का का हाथ पकड़ती है और घसीटते हुए उसको ना कार में ले जाके बैठा के ना कार एकदम स्पीड में भगाने लगती है। तो मिश्का को कुछ समझ नहीं आती है क्या हो गया सडनली, तो इश्की एकदम भगाते हुए ना लेके जाती है। तो मिश्का बोलती है कि अरे मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं था। तो इश्की बोलती है मुझे कुछ समझना नहीं है ना ही कुछ सुनना है, तुम बस चलो हमको ट्रेनिंग करनी है। तो मिश्का बोलती है हद है यार इस टाइम पे हमारी कौन सी ट्रेनिंग होती है? तो इश्की बोलती है आज से इस टाइम से भी ट्रेनिंग होगी क्योंकि तुमको दूसरों से लड़ना नहीं आता। तो मिश्का बोलती है ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो इश्की बोलती है कि ऐसा ही करते हैं, चलो अब चलो यहाँ से, ऐसे बोल के ना एकदम स्पीड में कार भगाते हुए लेके जाती है। और जैसे ही मतलब उसका घर आता है ना मिश्का तो एकदम बोलते कि चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ फिर लंच के टाइम पे मिलते हैं। तो इश्की बोलते कि तुमको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला, तुम जल्दी से कपड़े चेंज करो और जल्दी से आओ मतलब वर्कआउट एरिया में। तो मिश्का बोलते पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो इश्की बोलती तुम ऐसा नहीं सुनोगे ना, ऐसे बोल के उसको घसीटते हुए फिर से ले जाती है अपने रूम उसके रूम में और जिम वाला कपड़ा निकाल के ना उसको देती है और बोलती है पहनो इसको पहनो जल्दी से। तो उनकी पास उनके मिश्का बोलती है कि हेलो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो इश्की बोलती है तुमको समझ नहीं आता एक बारी में मैंने बोला ना पहनो। तो मिश्का बोलती है हुआ क्या है यार तुमको इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? मलमिश बोला माशाल्लाह क्या हो यार तुमको शालिंग, आहो तुमको मैं बताती हूँ ऐसे नहीं करते सोना, मेरे पिछा मेरा बाबू ऐसे करके ना उसके पास पास आने लगती है। तो इश्की एकदम से उसको धक्का देती है और बोलते पहनो इसको। तो मिश्का बोलती है कि मुझे नहीं करना यार थोड़ा सा तो रेम दे दो ना सोना, ऐसे बोल के ना उसके फेस की तरफ फिर से जाती है। तो मिश्का को इश्की बोलती है बहुत हो गया बाबू सोना रोना धोना अब जल्दी से पहनो, तुम पहन रही हो या मैं पहनाऊ, ऐसे बोल के ना उसका एकदम बटन खोलने लगती है एकदम गुस्से गुस्से में। तो मिश्का एकदम से घबरा जाती है बोलती है मैं पहन रही हूँ ना। तो इश्की को भी रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है, तो एकदम तुरंत से उसका हाथ तो मतलब हाथ छोड़ देती है और थोड़ी सी ऑकवर्ड होकर ना पीछे की तरफ ना मुंह मल लेती है। तो मिश्का एकदम से घबरा जाती है कि क्या हो गया, प्यार कहती है यार बट सडनली कोई अपने पास आ जाए तो थोड़ी सी तो ऑकवर्डनेस होती है ना, तो सेम ऑकवर्डनेस
मिस्का को भी हो जाती है और वो बोलती कि तुम जाओ, मैं चेंज चेंज करके आ रही हूँ, तुम तक तुम चेंज कर लो। तो इश्की बोलती कि हाँ, मैं भी चेंज चेंज करके आती हूँ, ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, वो खुद ही से पूछती कि क्या कर रही हूँ मैं, मुझे इसमें गुस्सा क्यों होता है उसको टिम्पल के साथ या किसी और के साथ देख के, कि मुझे सच में प्यार हो गया, पर एक जल्दी से लड़के से मुझे कैसे प्यार हो सकता है। इश्की तू स्ट्रॉन्ग गर्ल है, तू स्ट्रॉन्ग है ब्रो, तू नहीं कर सकती ऐसे, बट आई थिंक आई विल लव विद हर। नहीं, इश्की इश्की तुझे संभालना चाहिए खुद को, बट मैं संभाल भी तो नहीं पा रही हूँ, क्या क्या मैं उसको बता दूँ, बट क्या वो मेरे साथ 2 दिन प्यार का नाटक करके तीसरे दिन मुझे छोड़ के चली गई। तो नहीं, ये एकदम गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसे बोल के ना वो एकदम से जिम वाले कपड़े पहन के ना वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करने लगती है। तो मिश्का भी उतने देर में ना तैयार होके लिविंग रूम में चली आती, तो इसके बाहर निकल ही नहीं रही होती। तो मिश्का बोलते कि अब इसको क्या हो गया, ये क्यों बाहर नहीं निकल रही है, अच्छा मैं यहाँ पे टीवी देखते देखते सो जाऊंगा, ऐसे बोल के ना मतलब हाथ पैर फैला के ना जिम वाले कपड़े में ही लिविंग एरिया में वो बैठ जाती है। और इसी वहां पे ना खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ना वो एक्सरसाइज किए जा रही होती किए जा रही होती। उतने देर में ना उसको उसके बॉस का कॉल आता है, तो इसी एकदम से तुरंत से कॉल उठाते बोलते हो यस बॉस। तो बोलता है कि मिश्का की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, उसको तैयार कर रही हो ना हर चीज के लिए। तो ऋषि को रियलाइज होता है कि वो मिश्का को तो नीचे छोड़ के आई है और वो खुद ही एक्सरसाइज किए जा रही। तो बोलती कि हाँ बॉस, बस ट्रेनिंग चल रही है, हम अचानक से उसको हार्ड ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना, बट मैं आज आज से ही उसकी डबल टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ, इसे बोल के कॉल कट कर देती है। और वो एकदम तुरंत से ना नीचे आके देखती है, तो मिश्का एकदम पैर फैला के ना आराम से लेट के सोई होती है, टीवी चल रहा होता है। तो ये देख के ना इश्की को एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको ना वो सारी चीजें याद आ जाती है कि मुझे इससे प्यार है, बट इसको तो हर लड़की से प्यार है। ये वाली बात जैसे फिर से उसको याद आती है ना, डिम्पल के साथ उस लड़की को सैंडविच खिलाने वाली बात। इश्की और ज्यादा गुस्से में ना मिश्का को एकदम से हिलाती है, तो मिश्का उठती ही नहीं, तो मिश्का को ना उठा के नीचे गिरा देती है इश्की, मतलब ऐसे हाथ खींच लेती है, तो मिश्का एकदम नीचे गिर जाती है, बोलती है हाँ, कौन कौन, बचाल बचाल, हर्ष कोई खाक तू, क्या क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे बोल के ना चिल्लाने लगती है। तो इश्की बोलती है ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ पे ना मैंने जिम करने के लिए बुलाया, टीवी देखी सोने के लिए नहीं। तो मिश्का बोलती है गलत है यार, बच्चे की जान लेनी है क्या तुमको। तो इश्की बोलती है कि अगर मौका मिला ना वो भी ले लूंगी, तुम्हारी हरकतें जैसी है ना, मन तो करता है तुम्हारी चाय में जहर मिला के तुमको पिला दूं, बट नहीं पिला सकती। तो मिश्का बोलती है ओए क्या क्या मैंने ऐसा, हाँ। तो इश्की बोलती है कि क्या, तो तुमने बहुत कुछ है बट मैं तुमको बता नहीं सकती। तो मिश्का बोलती है हेलो, मैंने कुछ किया भी नहीं है, तुम मेरे ऊपर जुल्म भी जुल्म किए जा रही हो। तो इश्की बोलती है जुल्म किया कहाँ है अभी तक, जुल्म करना तो बाकी है, चलो जी मेरी यहाँ पे। तो इश्की बोलती कि छोड़ दो ना, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। तो इश्की बोलती है बिल्कुल नहीं, चलो चलो जी मेरे यहाँ पे चलो, ऐसे बोल के उसको खींचते हुए लेके जाती है। मिश्का का बिल्कुल भी मन नहीं होता, जिसकी मेरा आजकल मन नहीं होता रिकॉर्ड करने का स्टोरी। सो मिश्का का बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो एकदम घसीटते घसीटते जाती है, बोलती कि छोड़ दो यार, सोना है यार, सोना है, मुझे भी सोना है, टाइम नहीं मिलता आज का यार, क्या करे। तो मिश्का एकदम से घसीटते हुए जाती है, तो इश्की एकदम से वहां पे उसको लाती है और बोलती है चलो मूव दिखाना स्टार्ट करो। तो मिश्का बोलती है अच्छा मूव दिखाना स्टार्ट करो, ऐसे बोल के ना उधर सेक्स लेरी ऑन द फ्लोर वो वाला मूव दिखाना स्टार्ट करती है। तो इश्की ये देखे ना एकदम से उसको मतलब अजीब सा लगता है मिश्का को ऐसा डांस करता हुआ देख के। तो इश्की बोलती है ये क्या कर रही हो, हाँ। तो मिश्का बोलते कि मूव दिखाने के लिए बोला ना, मूव दिखा रही हूँ मैं। तो इश्की बोलती कि हाउ यू मैड और व्हाट, तुमको ना जो मैंने कराटे की मूव दिखाई थी ना वो दिखाओ। मिश्का बोलती कि नहीं ना, अभी ना डांस करते, मेरा मूड ना रोमांटिक है, रोमांस करते, आओ ना मेरे पास आओ, ऐसे बोल के ना एकदम से मिश्की को ना कमर से खींच के ना अपने पास कर लेती है। तो इश्की के हार्ट बीट एकदम धक 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 होने लगते हैं और वो मिश्का की आंखों में बस खोने लगती है धीरे धीरे धीरे। और मिश्का भी उसको देख के ना बस बहुत प्यार वाली निगाहों से ना देखने लगती है, मजाक मजाक में मिश्का भी उसको अपनी तरफ खींची होती है। बट इश्की की आंखें जब उसकी आंखों से टकराती है ना, उसकी नशीली आंखें, मिश्का को भी उसकी तरफ
बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगती है, और धीरे 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 ये दोनों ना चाहते हुए, मतलब इन दोनों अनजाने में ही सही, एक मोमेंट ऐसा बन जाता है कि मिश्का के पास धीरे धीरे इश्की खींची चली जाती है, और मिश्का भी अपनी आंखें बंद करके इस पल को बस फील किए जा रही होती है, और धीरे 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 अनजाने में ही सही इन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स में जब टकराते हैं ना, इश्की भी मिश्का को एकदम और टाइटली पकड़ लेती है, और इस चीज़ से मिश्का के जो फीलिंग्स होते हैं ना और बढ़ने लगते हैं, और वो इश्की के लिप्स को एकदम पैशनेटली ना किस करने लगती है धीरे 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 धीरे, और मिश्का को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इश्की और मिश्का एक दूसरे के लब्स में एकदम खोल रहे होते हैं, और इश्की का तो एकदम पहली बारी होता है, इश्की के हाथ ना मिश्का के पूरे बॉडी को ऐसे टच, मतलब ऐसे उसके नेल होते हैं ना, उसके जो कंधा होता है ना उस पर दबा रहे होते हैं, मिश्का को तकलीफ तो होती है बट इश्की का ये टच ये छुआ ना उसको बहुत ज़्यादा सीरियस अट्रैक्ट कर रही होती है इश्की की तरफ, और वो भी और टाइटली इश्की को पकड़ के ना बस पहनती, हाँ धीरे धीरे उसके लिप्स को छूम रही होती है, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, और ये दोनों एक दूसरे को ना बस पागलों की तरह ना चूमे जा रहे होते हैं, चूमे जा रहे होते हैं, और एक दूसरे को ना अपने बहू में अपने अंदर समा लेने वाली चाह होती है, बस कभी मिश्का इश्की को कभी इश्की मिश्का को एकदम बेइंतहाशा झूम रही होती है, बस डीपली वाइडली सॉफ्टली हर तरीके से, कभी मिश्का का टंग इश्की के टंग के अंदर, कभी इश्का का टंग मिश्की के टंग को खेलते खेलते ना ये दोनों एक दूसरे को मतलब अचानक में इसे ना बहुत पैशनली किस किए जा रहे होते किए जा रहे होते, इतना कंटिन्यू के इश्क करते कि एक दोनों को ना सांसें भी नहीं आती, और दोनों फाइनली एक दूसरे से जैसे अलग होते हैं ना, एक टक एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं, मिश्का को भी समझ नहीं आता कि क्या हो गया, और इश्की को भी यहाँ पे ना एकदम बहुत ज्यादा बेचैनी बहुत ज्यादा तड़प फील हो रही होती है, वो तड़प वो बेचैनी क्या होती है उसको पता नहीं होती, वो एकदम से टर्न होती है और अपने रूम में भाग के चली जाती है, मिश्का को भी समझ नहीं आता कि वो गुस्सा है कि क्या है, वो ऐसे क्यों भाग के चली गई, और वो भी इश्की के पीछे पीछे भागने लगती है, बोलती सॉरी आई एम रियली सॉरी इश्की, इश्की मेरी बात तो सुनो इश्की, और इश्की एक वर्ड भी नहीं सुनती, और वो भागते हुए जा रही होती अपने रूम की तरफ, तो मिश्का एकदम बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बोलती कि वो शिट क्या कर दिया मैंने, इश्की बात सुनो प्लीज आई एम सॉरी, इंटेंशनली नहीं था बस हो गया, आई एम रियली सॉरी, मेरी मेरी बात तो सुनो प्लीज प्लीज इश्की बात सुनो, और इसके बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ भागे हुए जाके ना अपना रूम का डोर लॉक कर देती है, मिश्का पीछे पीछे भाग के आके ना एकदम मतलब उसके डोर को ना ऐसे नॉक करने लगती है, नॉक करने लगती है, इश्की वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसकी धड़कने उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है, बोलती कि ओह माय गॉड ये क्या था, मुझे मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, बट मैं मुझ में ये फीलिंग्स क्यों, नहीं 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 मुझे 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 प्यार करने का हक नहीं है, मैं बस उसके प्रोटेक्टर हूँ, बट मैं उसकी तरफ खींची क्यों चली जा रही हूँ, वो उसका उसका दिल हलकी में आ जाता है इसकी, तो उसकी तरफ ऐसे ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो सकती, नहीं, मैं नहीं आ सकती इस रिश्ते में, और दूर से बाहर से ना मिश्का एकदम दरवाजा मारे जा रही होती, बोल रही होती इश्की दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो प्लीज प्लीज प्लीज, और इश्की को भी अंदर कुछ समझ नहीं आता, वो थोड़ा सा दरवाजा खोल लेती है, बोलती क्या हुआ बोलो, तो मिश्का एकदम से उसके पास आती है, बोलती कि सॉरी सॉरी वो इंटेंशनली नहीं था, मैं मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने तुमको देखा और मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्या हो गया था उस मोमेंट में, तुम्हारी आंखों में देखी और तुम भी तो मुझे नहीं रोके ना, तो इश्क एकदम से घूर के मिश्का को देखती है, उसके हाथ पैर अंदर से कांप रहे होते बहुत ज्यादा, बट वो सामने स्ट्रांग बन के बोलती कि अच्छा तो तुम हर लड़की को ऐसे किस कर लेती हो, तो मिश्का बोलती हाँ यू मैट क्या बोल रही हो तुमको समझ आ रहा है, तो इश्की बोलती कि हाँ जैसे हर लड़की के साथ फ्लर्ट कर लेती हो, हर लड़की को ऐसे कमर से पकड़ के किस कर लेती हो, कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है उस टाइम पे कि उसने क्या किया, उस बात का गिल्ट ना उसको होता है, बट वो गिल्ट ना गुस्से में आके ना वो मिश्का के ऊपर उतारा जा रहा होता है कि वो हर लड़की के साथ ऐसे करती होगी, मैं पहले नहीं हूँ, और इश्की ना सुनाई जा रही होती है मिश्का को, मिश्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलती कि तुम क्या बोल रही हो तुमको समझ आ रहा है, तो इश्की बोलती कि हाँ मैं वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रही हो, तो मिश्का बोलती कि देखो ऐसा नहीं है तुम गलत समझ रही हो, तो इश्की बोलती मैं सही समझ रही हूँ, तुम मेरे साथ भी बस इसी चीज के लिए हो ना, तो मिश्का बोलती कि क्या पागल हो गए हो क्या तुम, तो इश्की बोलती कि तुम बस मुझसे प्यार करती हो क्या, तो मिश्का बोलती कि मैं तुमको प्यार करती हूँ बट तुम
तुम्हारे पहले भी मेरी लाइफ में बहुत लड़की थी, तो इसकी बोलती कि एक्सैक्टली एक्सैक्टली मेरे बाद भी तुम्हारे लाइफ में बहुत लड़की आएंगी। तो मिश्का बोलती कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। तो मिश्का मिश्का इसके बोलती क्या क्या सुनूँ, हाँ क्या सुनना चाहती हो तुम मुझे। तो मिश्का बोलती कि देखो यार तुमको गलत फहमी हो रही है। तो इसके बोलती क्या गलत फहमी, हाँ क्या गलत फहमी, तुम हर किसी को किस कर लेती होगी ना ऐसे। तो मिश्का बोलती तुम शट अप, तुम अपना मुंह बंद करोगी। तो मिश्का बोलती इसके बोलते नहीं बंद करूंगी मेरा मुंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, यार कैसे हुई ऐसे बोल के ना उसको धक्का दे दे के ना एकदम दीवार के पास ले गई होती है। तो मिश्का बोलती आर यू लिसनिंग और नॉट। तो इसके बोलते नहीं मैं नहीं सुनूंगी, क्या करोगी, हाँ क्या करूँगी ऐसे बोल के ना उसका कॉलर वॉलर एकदम पकड़े ना उसके लिप्स के पास ना एकदम उसका लिप्स होता है और उसको एकदम बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। और मिश्का ऐसे अचानक उस इसकी एक अचानक उसके पास कैसे उसके पास जैसे बोल रही होती है ना, मिश्का के धड़कने ना फिर से तेज होने लगती है। थोड़ी देर पहले ही दोनों की किस हुई होती है, तो बॉडी की जो सेंसेशन होती है ना इतनी जल्दी तो नहीं जाती, मिश्का के बॉडी पे भी वो होती है, बट इसकी का वो गुस्सा उस सारा चिल्लाना मिश्का का दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब कर चुका होता है। तो वो आओ देखती है ना ताओ देखती है, मिश्का इसकी को एकदम अपने पास खींच लेती है और इसके लिप्स में फिर से अपना लिप्स रख लेती है। इस बार इसकी छुड़ाने की कोशिश तो करती है बट मिश्का बिल्कुल भी नहीं सुनती है और उसको दीवार के पास हटा के ना एकदम उसके दोनों हाथ को ना ऊपर उठा के ना उसके बॉडी को एकदम किस करने लगती है, उसके लिप्स को एकदम किस करने लगती है। मिश्का बोल इसकी बोलती है क्या क्या कर रही हो, बट मिश्का एक भी नहीं सुनती है और उसके लिप्स पे हाथ रख देती है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से ना उसके लिप्स पे हाथ रखती है और उसके नेक पे नेक से चूमने लगती है। इसकी तो हमारी डेंजर डॉन है, वो चाहती तो मिश्का को इजिली पटक सकती है थी बट मिश्का को बिल्कुल भी कुछ हार्म नहीं करती और वो बस रोक मुँह से ही रोकने की कोशिश कर रही होती बट इसकी की एक भी मिश्का नहीं सुनती और उसको एकदम टाइटली एकदम उसका हाथ पकड़ के ना उसके नेक पे ना एकदम बड़ा बड़ा लव बाइट दे रही होती है और एकदम उसको ना पहनते यहाँ से उसके गले में चूमते चूमते ना उस एकदम से सडनली उससे दूर होती है और बोलती कि उसको ना रियलाइज होता है चुमचे तुम चुमते कि मैं गलत कर रही हूँ, उसकी मर्जी नहीं है फिर भी मैं ये कैसे कर सकती हूँ ऐसे बोल के ना जब उसको रियलाइज होता है ना वो तुरंत से ना इश्के से दूर होती है, बोलती है आई एम सॉरी आई थिंक यू आर राइट, मुझे मुझे ना मुझे 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 यहाँ से चले जाना चाहिए ऐसे बोल के ना वो एकदम से जैसे एक बाहर जाने जा रही होती है ना इश्की इस बार उसका हाथ पकड़ के ना उसको अपने तरफ खींच लेती है और उसका हाथ ना जैसे मिश्का उसका हाथ ऊपर उठा के ना उसके लिप्स पे हाथ रख के ना जैसे उसको किसके जा रही होती है ना एकदम घूर के इश्की मिश्का को देखती है, मिश्का की आंखें एकदम नशीली नशीली हो चुकी होती है और इश्की की आंखें भी एकदम नशीली नशीली हो चुकी होती है। तो उसको वो देखती है और बोलती है तुमको क्या लगता है जब मर्जी मेरे पास आओगी, जब मर्जी मुझसे फ्लर्ट करोगी, जब मर्जी किसी और के साथ सैंडविच खाओगी, तुमको पता नहीं है मिश इश्का मैं रोड़ा एक चीज जो एक बार इश्की की होती है ना वो इश्की की ही होती है, वो किसी और की कभी हो ही नहीं सकती और तुमने मेरे लिप्स पे किस किया ना, यानी कि तुम मेरी हो, तुम क्या चाहती हो मुझे किस करके तुम चली जाओगी और मैं तुमको जाने दूंगी, हाँ तुमको क्या लगता है तुम ऐसा जबरदस्ती करोगे और मैं होने दूंगी, तुमको जबरदस्ती क्या होता है ना मैं दिखाता हूँ। मिश्का ऐसे बोल के ना वो उसके हर लिप से हाथ उठाती है और एकदम चूमने लगती है उसको, मिश्का को कुछ समझ नहीं आता बट इश्की का वो किश ना उसको भी और ज्यादा पेशनेट करने लगता है, बट यहाँ पे इश्की ना मिश्का का एकदम से हाथ जोर से पकड़ी होती है और मिश्का हाथ हिला भी नहीं पा रही होती और इश्की उसके लिप्स में ना पेशनेटली किस करी किए जा रही होती है और किश करते करते ना उसके टी शर्ट में एकदम से हाथ डाल देती है और उसको किस करते करते ना उसकी पूरी बॉडी को ऐसे तवा रही होती है, ऐसे पसल रही होती है, मिश्का को दर्द हो रहा होता है बट उसका जो फीलिंग्स है ना कंट्रोल से बाहर आ रहा होता है, वो एकदम गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। तो मिश्का बोलती है कि किसी और को, इसकी बोलती है किसी और को देखना है तुमको, हाँ सैंडविच शेयर करनी है तुमको किसी और के साथ, हाँ सैंडविच शेयर कर रही हो ना इसे बोल के ना वो फिर से उसके नेक में जाके ना एकदम बड़ा सा लव बाइट बना लेती है। मिश्का को कुछ समझ नहीं आता कि इश्की को क्या हो गया है बट इश्की का वो जो गुस्सा है ना वो एकदम इस तरीके से हावी हो चुका होता है ना, वो रोमांस का मोड ले चुका होता है। यार गुस्से में भी हम समटाइम ना कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हमारी लाइफ चेंज कर देता है समटाइम, और इश्की का भी वो ही गुस्सा आ रहा होता है मिश्का के ऊपर बट उसका प्यार भी होता है मिश्का की तरफ, तो उसके साथ ना एकदम फोर्सफुली वो सारी चीज करने लगती है। बट यहाँ पे मिश्का मतलब उसको समझ नहीं आता कि उसको रोके या ना रोके क्योंकि मिश्का की फीलिंग्स भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी होती है, अब मिक्स फीलिंग है यार मैं क्या बताऊँ, सम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम इंटीमेट हो जाते हैं और रिग्रेट नहीं होता उसको। मिश्का तो पहले से ही लाइक करती है इश्की को, वो तो दीवानी है, इश्की भी उसको लाइक करती है तो वो इतना चीज़ें गलत नहीं है बट चीज़ें धीरे धीरे होना तो
अच्छा लगता है, बट इन दोनों के केस में एकदम एग्रेशन में ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी। और मिश्का को ना इसकी एकदम इंतहा सा एकदम चूमते चूमते ना उसको दीवार के साथ सटा के ना उसके जो कमर है ना उससे पकड़ के ना उसको और ज्यादा टाइटली उठा लेती है और ज्यादा किस करने लगती है। तो मिश्का को ये सारे फीलिंग ना उसके लाइफ में पहली बार ही हो रहा होता है यार। वो डिंपल के साथ रही होती है बट उसके साथ फिजिकल कभी नहीं हुआ होता उसका, और पहली बार ही उसका इश्क के साथ ऐसा जो हो रहा है ना वो सारी चीज उसको ना बेहोश की जा रही होती है। और मिश्का को इश्क एकदम से कमर से उठा के ना वो टेबल पे बिठा देती है और मतलब उसके नेक पर बेइंतहाशा बाइट कर रही होती है। मिश्का ऐसे जैसे उसके हाथ मुंह उठाने की कोशिश करती है ना तो साइड में एक दुपट्टा टाइप पकड़ा होता है वो लाती है इश्की और उसके हाथ पे बांध लेती है। बोलती है कि अब कैसे बच के जाओगे मुझसे, हाँ मुझसे प्यार करती हो ना तुम, मुझसे प्यार करती हो, मुझे किस किया ना तुमने, मैं दिखाती हूँ किस कैसे होता है। मिश्का अरोड़ा ऐसे बोल के पहनती हाँ सा उसके नेक को इसे बाहर की जा रही होती है, किस की जा रही होती है। और मिश्का का कंट्रोल उससे धीरे धीरे छूट रहा होता है, कभी उसके लिप्स को बाइट किए जा रही होती है, कभी उसके गर्दन को बाइट किए जा रही होती है। ऐसे चूमते चूमते ना उसकी जो बॉडी का जो टी शर्ट होता है ना जिम वाला टी शर्ट का वन साइडेड वो ऐसे खींच के ना नीचे करके ना उसका पूरा जो बैक का नेक होता है ना उसको भी एकदम वाइट किए जा रही होती है। और वो इश्की इश्की ने मिश्का का हाथ को एकदम बांध के रख के ना एकदम बेतहाशा एकदम उसको झूम रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है, क्या इन दोनों को गुस्से गुस्से में कोई दुर्घटना घट जाती है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, या कहानी में आगे क्या ट्विस्ट टर्न आता है, ये सब तो आप लोगों को जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आप लोग जब मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं ना यार, आई छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपने छोटे से अनन्या के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 दिन गायब रही, आपके वैलेंटाइन डे को मैं ऑसम ऑसम नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न यार, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी किसी चीज़ में, समझ रहे हो ना यार, मैं भी रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे भी स्पेशल स्पेशल कुछ करना चाहिए ना अपनी एची ओची के लिए, तो उसी चीज़ में बिजी हो गई थी। तो उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं आपका वैलेंटाइन डे स्पेशल नहीं कर पाई, बट आई होप कि इस वाले एपिसोड से आपका आई थिंक वैलेंटाइन का बाद वाला डे स्पेशल हो जाए। सो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे से कॉमेंट कीजिएगा खोल के। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।